अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इरफान खान और आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि आज जो खबर चल रही है शिक्षक भर्ती के बारे में और टीईटी के एग्ज़ाम के बारे में, टीईटी इम्तिहान 2021 के बारे में, तो उसके अंदर जो रियलिटी है या जो भी सच्चाई है वो अब तक जो है जो हमारे सामने नहीं आई है, और जो ब्रेकिंग न्यूज़ बताकर जो आपके सामने यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, G24 ने ऐसा बताया है कि राज्यात 40,000 शिक्षकांची भर्ती होना है, ऐसा वो जो हेडिंग देकर वो बता रहे हैं। और उसके अगले ही पल में वो महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्याचा निर्णय 15 सितंबर ते 31 दिसंबर दरमियान महा TET, ऐसे वो अलग अलग हेडिंग्स के ज़रिए वो बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि सबसे पहले उनको जो है ये जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा और जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा, इसमें ही जो है उनको जो अंतर जो रहता है, इसका जो डिफरेंस है, ये दोनों के बीच में क्या फ़र्क है, ये उनको आम तौर पर पता नहीं होगा। वो जिस तरीके से वो न्यूज़ देना चाहते हैं या जिस तरीके से वो न्यूज़ दे रहे हैं, तो उससे हम जो भी DEd BEd स्टूडेंट्स हैं जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक भर्ती की जो तैयारी शिक्षक भर्ती के लिए जो मुंतज़िर है, जो इंतज़ार कर रहे हैं 2018 के बाद के जो TET वाले हैं, CTT वाले हैं या इसके पहले के जो TET के अंदर जो नहीं लगे, वो तमाम के तमाम जो DEd BEd जो अभी खाली है और वो शिक्षक भर्ती होना उनकी जो उनकी ख्वाहिश है, वो तमाम के तमाम का जो है कंफ्यूजन ये बढ़ा रहे हैं। स्पेशली इसके पहले भी मैंने जिक्र किया था कि हमारे जो मीडिया होती है वो अलग अलग तरीके से जो है पेश करती है, जबकि उसको अंदरून जो है वो किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती का वो पता नहीं होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं दोस्तों, कि इस जो वीडियो का मेरा बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम इसके बारे में जो है इसको निगेटिव वे से लिया जाए, लेकिन एक बात ये भी आती है सिक्के का जो दूसरा पहलू होता है वो, कि जो न्यूज़ जो दी जा रही है उसको पूरी तरह से हमको परखना भी ज़रूरी है। क्योंकि हमारे शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड़ या फिर मुख्यमंत्री या फिर अजीत दादा पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं, हमारे डिप्टी CM है या CM या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर वर्षाताई गायकवाड़, इनकी तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके स्पष्टीकरण अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जो महा TET है, ये लेने का जो है यहाँ पर जो खबर चल रही है, तो ये हम मान सकते हैं कि ये चीज़ जो है सही हो सकती है। लेकिन जो है राज्यात 40,000 शिक्षकांची भर्ती होना, 40,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, ये न्यूज़ को हम अभी तक जो है शासन की तरफ से कंफर्मेशन नहीं हुआ है। और वो जो 40,000 की जो शिक्षक जो भर्ती का वो उल्लेख कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो जो TET ली जाएंगी उसी के ऊपर वो शिक्षक भर्ती होगी, ऐसा उनका एक अंदाज़ ये न्यूज़ पे से लग रहा है। तो इस न्यूज़ में ऐसा बताया जा रहा है जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे, लेकिन जो शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TET है वो लेने के बारे में, जैसा कि आप सामने यहाँ पत्र देख रहे हैं, प्रवीण मुंडे जो अपर सचिव है महाराष्ट्र शासन के, इनका एक पत्र है यहाँ पर आपको जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इसका जो विषय, इसका जो सब्जेक्ट है, 2021 मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा की आयोजना बाबत, यानी कि इससे हमको जैसा ही ये न्यूज़ चली तो उसके बाद से महाराष्ट्र शासन की तरफ से, जो महाराष्ट्र शासन के अपर सचिव की तरफ से प्रवीण मुंडे साहब की तरफ से एक लेटर जो है निकला है 20 जुलाई 2021 को, यानी कि आज ही के दिन, ये जो आज कल जो है आज 21 है, कल ये पत्र निकला है कि 2021 की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है इसका आयोजन किया जाए। तो हम मान सकते हैं कि जो ये न्यूज़ दी गई है G24 के ऊपर, महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET महा TET जो है वो ली जाए, क्योंकि पिछले कोरोना काल में 2020 के बाद से, तकरीबन जनवरी 2020 के बाद से ये नहीं हो पाई है शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो ये हम मान सकते हैं कि महा TET जो है होने वाली है, लेकिन शिक्षक भर्ती का जो इम्तिहान है उसका जो तरीक़ाकार है, उसकी जो भी जो सिस्टम है, वो अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जो है वो जो भ्रम में रखकर हमको ये जो न्यूज़ दी जा रही है या उनको अंदरून जो है वो मालूम नहीं है, क्योंकि हमारी जो शिक्षक भर्ती 2017 है इसी के बारे में अभी शासन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और वो मुकम्मल भर्ती हो नहीं पाई है। 12,000 की जो थी, 5,800 बच्चों को जो है ज्वाइनिंग लेटर्स दिए थे, इसके पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये
जो महा टीईटी जो है, महा टीईटी ये 15 सितंबर से तो 31 दिसंबर के अंदर जो है लेने के बारे में ऐसा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का इरादा चल रहा है। तो इस जो पत्र जो मैंने आपको बताया है शासन की तरफ से जो महा टीईटी के बारे में आया है, इसमें भी स्पष्ट उल्लेख है, इसमें स्पष्ट जैसा क्लियर क्लियर साफ साफ अल्फाजों में बताया गया है कि 15 सितंबर 2021 से तो 31 दिसंबर 2021 के अंदर के कालावधि के अंदर जो है महा टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा हमको लेना है। तो ये जो भी है महा टीईटी जो है ये हो जाएगी और इसके बाद में भी पॉसिबल है कि शिक्षक पात्रता सॉरी जो शिक्षक अभियोग्यता जो जांचनी है, जो हमको टैट के टैट कहते हैं हम उसको, वो होंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जनरली जब भी ऐसी चीज़ें खबरें चलती है तो आपको अलग अलग यूट्यूबर्स, अलग अलग जो है चैनल वाले, अलग अलग अकेडमी वाले, अलग अलग जो क्लासेस वाले हैं ये लुभावने जो है ऑफर्स देते हैं और ये ऐसे जैसा अलग अलग तरीक़ों से बताते हैं कि भाई इतने दिन में टीईटी कर लो इतने, और शिक्षक की भर्ती होने वाली है, ये जो क्लासेस वाले अलग अलग जो भी होते हैं लुभावने ये चीज़ें बता बता कर हमको शिक्षक भर्ती का जो अभी तक पात्रता परीक्षा के ही बारे में जो है पत्र आया है और शिक्षक भर्ती 40,000 ये जो बता रहे हैं इसके बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया। तो मेरी खास रिक्वेस्ट है, मौद्देबाना गुजारिश है कि शिक्षक भर्ती के बारे में जो है ये कन्फ्यूजन अपने दिलों से जो निकाल लेना चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में लेटर आया है और शिक्षक भर्ती के बारे में इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 2022 में शिक्षक भर्ती होगी। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि महा टीईटी की भी तैयारी की तैयारी में लग जाइए और इंशाल्लाह 2022 में जो है हमारी जो है अभी योग्यता जांचनी है जिसको हम TIIT टेट कहते हैं वो भी हो सकती है, मे बी पॉसिबल है, लेकिन 31 दिसंबर तक जो है ये TET लेंगे। तो आज का ये खास वीडियो, हमारा जो कन्फ्यूज़न था, हमारे जो ये न्यूज़ आने के बाद में जो बहुत से स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूज़न है कि TET होंगी या शिक्षक भर्ती होगी, तो महा TET होंगी। सबसे पहले 15 सितंबर से 31 दिसंबर के अंदर ये डेडलाइन दी गई है और जी जो इस तास का ये जो ये बताई गई है ये न्यूज़, तो ये इस जो आपको सामने पत्र दिख रहा है ये महाराष्ट्र शासन का, इसकी बिना पर ये न्यूज़ दी गई है। तो ऐसा ही अगर पत्र निकलता है कि शिक्षक भर्ती 2021 के बाद 2022 में जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा घेने बाबत ऐसा कुछ पत्र आता है वो महाराष्ट्र शासन की तरफ से, और पत्र भी अक्सर जो आते हैं ये बात भी मेरी भाइयों जहन में रखिए कि अक्सर जो पत्र आते हैं, आजकल का ज़माना इतना एडवांस्ड हो गया है कि बहुत से पत्र जो है वो एडिटेड आते हैं शासकीय जो अधिकारियों के नाम पर, तो ये भी चीज़ को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन ये 20 जुलाई का जो पत्र है इसमें स्पष्ट जो है लिखा हुआ है, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सन 2021 मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा, सिर्फ शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में यहाँ पर उल्लेख है और इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा लग रहा है शासन का इरादा, अल्लाह करे कि 2022 में नई शिक्षक भर्ती की जो परीक्षा है जिसको हम TIIT टेट कहते हैं वो हो जाए। तो अगर आपको ये तमाम ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर इसके बारे में और भी कोई कन्फ्यूज़न हो या आपका कन्फ्यूज़न इस वीडियो के ज़रिए दूर हुआ होगा तो ज़रूर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अस्सलामुअलैकुम।